नमस्कार प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लास एट्थ में साइंस में चैप्टर नाइन्थ चल रहा था। तो चैप्टर नाइन्थ में मैं आपको जो है इसे पिछली वीडियो में ये कीवर्ड्स वगैरह, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन, जायगोट, ये सब चीज़ बताई थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसके बारे में बताऊंगा, ये चीज़ें क्या है करके। तो सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब होता है आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो कुछ समझते हैं, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी कि वह जनन जिसमें निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी कि जो निषेचन होगा, यानी कि मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जो स्पर्म्स और एग मिलते हैं उनका फ्यूजन जो होता है वो फीमेल बॉडी यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। तो इसलिए जो है इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, काउ, डॉग्स, हेंस और काफ़ी जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये होता है। फिर अगला आता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो दूसरा प्रकार है निषेचन का, को बोलेंगे हम बाह्य निषेचन। इसको देखते हैं, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जनन के इस प्रकार में जो निषेचन होगा वह जो निषेचन होगा यानी कि जिसमें मेल यानी कि नर और मादा के जो युग्मकों का जो मिलन, यानी कि जो दोनों मिलेंगे जहाँ पर, वो जो होगा मादा के शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाह्य निषेचन कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे फिशेस, फ्रॉग्स, अदर एक्वाटिक एनिमल्स, आपने देखा होगा जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी में जो है अपने स्पर्म छोड़ते हैं, एग्स छोड़ते हैं, और वैसे जो मेल फ्रॉग होगा वो भी अपने स्पर्म छोड़ेगा, तो फिर वो पानी में ही जो है उनकी लाइन टाइप की जो है अंडों की संरचना से दिखाई देती है। तो इस तरह से जो उनका फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है, न कि नर या मादा के शरीर के अंदर, ठीक। ऐसे ही फिशेस यानी कि मछलियों में और जो जलीय जीव होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, यानी कि भ्रूण का विकास, ठीक है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, यानी कि जब निषेचन हो जाता है, जिनकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो उसके पश्चात जायगोट यानी युग्मनज बनता है, ठीक है। एक संरचना होती है जायगोट, मैंने आपको बताया जायगोट के बारे में भी, ठीक है। विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो, जो है वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है। द जायगोट डिवाइड्स रिपीडेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स, जो युग्मनज यानी जायगोट होता है वो लगातार विभाजित होकर बॉल की संरचना के रूप में सेल्स यानी कोशिकाओं का लगातार जो है निर्माण करते रहता है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज, और जो ये कोशिकाएं जो हैं लगातार वृद्धि करके एक समूह बनाकर जो है ऊतकों का निर्माण करती हैं, एंड ऑर्गन्स और अंगों का निर्माण करती हैं ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के अंगों का निर्माण भी करती हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रायो,
और इस प्रकार जो ये विकसित होने वाला जो संरचना होती है वो गर्भ कहलाती है, भ्रूण कहलाती है। ठीक है, एम्ब्रायो गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस। जो एम्ब्रायो होता है, जो भ्रूण होता है, वो जो है यूट्रस से यूट्रस के अंदर यानी गर्भाशय के अंदर विकसित होता है। अब अगला है फोटस। फोटस क्या है? फोटस मतलब होता है आपका गर्भ। द एम्ब्रायो कंटिन्यूज टू डेवलप इन टू डेवलप इन द यूट्रस। तो जो एम्ब्रायो होता है यानी जो भ्रूण होता है वो लगातार जो है गर्भाशय के अंदर विकसित होते रहता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल दी बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि जब भ्रूण के सभी जो शरीर के अंग होते हैं वो आइडेंटिफाइड यानी कि स्पष्ट दिखने लग जाते हैं इज कॉल्ड ए कोइटस, तो वह गर्भ कहलाता है। ठीक है, तो इसको जो है आपने अब एम्ब्रायो भी समझा, इसमें कोइटस समझा क्या होता है करके, यानी कि भ्रूण और गर्भ क्या होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाना। अब हम कल की वीडियो में विविपुरस और ओविपुरस एनिमल्स को जानेंगे।